अपने विद्यालय के लिए जो नॉर्म्स आपने निर्धारित किया था, जो इसके लिए आपने जो शेड्यूल बनाया था, क्या उसको पूरा किया? के पाठक जी से बहुत बड़ा सवाल है, या जो आप इसके लिए शेड्यूल निर्धारित है, अनुसूची जो निर्धारित की गई है विद्यालय के लिए मान और मानक, उसकी अनुसूची 19 और 25 के अंतर्गत जो बनाया गया है प्रावधान, उस प्रावधान के आप तीसरे कंडिका में गए हैं, उसमें जो उपकंडिका 3 है उसमें कार्य अवधि निर्धारित है कि विद्यालय के लिए 220 दिन का कार्य संचालन होना चाहिए, तो तीसरे बिंदु पर आप चलेगा और पहले और दूसरे बिंदु को कौन देखेगा? क्या के पाठक जी, आदरणीय के पाठक जी और शिक्षा विभाग के माननीय अधिकारी साहब लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो इन लोगों के समर्थक लोग हैं, ऐसे विद्वान लोग, क्या आप हमें बताएंगे कि गिनती जो सिखाई जाती है बच्चों को वह 3 से शुरू होती है, गिनती है 1 से शुरू होती है? आप 3 पर तो चलेगा कि 3 में क्या लिखा हुआ है, 220 दिन स्कूल चलाओ, 220 दिन स्कूल चलाओ, 220 दिन स्कूल चलाओ, लेकिन 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, यह भी तो बता दीजिए ना लोगों को कि यह भी आरटी का पार्ट है। जब इसमें लिखा है कंडिका 1 में कहा है कि बच्चों का और शिक्षकों का अनुपात क्या होगा, छात्र शिक्षक अनुपात, और यह क्लास 1-5 के लिए है, प्राइमरी एजुकेशन को 1-5 और 6-8 के बीच में डिमार्केशन किया गया है, तो 1-5 के लिए जो मापदंड निर्धारित है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 1-5 के लिए एक अलग हेडमास्टर होगा। आदरणीय के पाठक जी, बता दीजिए बिहार के उस स्कूल का नाम हमें बता दीजिए जिस स्कूल में आपके पास में प्राइमरी स्कूल में कोई फुल फ्लेज हेडमास्टर हो। आज तक प्राथमिक विद्यालय में 13 वर्षों के बाद भी किसी भी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक आपके पास में नहीं है, इस फेल्योरेंस की जवाबदेही कौन लेगा, इस विफलता की जवाबदेही कौन लेगा, और यह हेडमास्टर कौन देगा? अभी तो मुंह खोल दीजिए, उन बच्चों को शिक्षक नहीं मिल पाए जहां पर बच्चों के लिए अनुपात निर्धारित किया गया था कि 60 बच्चे जहां तक होंगे 1-5 में वहां 2 शिक्षक होंगे, 61-90 होंगे तो 3 शिक्षक होंगे, 91-120 बच्चे होंगे वहां 4 शिक्षक होंगे, क्राइटेरिया को फुलफिल क्यों नहीं किया, इसका जवाब कौन देगा? ये भी आरटी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये आरटी है, बड़ी आरटी, आरटी आप लोग रट रहे हैं, तो आरटी हमने भी पढ़ा है, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? और जवाब देना चाहिए बिहार के रहनुमाओं को, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के एसीएस को और डायरेक्टर को, जितने पदाधिकारी उनको जवाब देना चाहिए कि जब इसमें आप जो अनुसूची बनाए एक कंडिका का ख, उसमें 6-8 के बच्चों के लिए हर विषय के लिए अलग से शिक्षक देना है, विषय वार सब्जेक्ट वाइज टीचर देना है, बिहार का कोई, मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई एक विद्यालय पूरे बिहार में बता दीजिए, आप जिस दिन बता दीजिएगा ऐसा विद्यालय उस दिन मैं रिजाइन कर दूंगा, आप हमें बता दीजिए उस विद्यालय का नाम जिसमें हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षक हो, कोई ऐसा विद्यालय, मैंने सूचना के अधिकार में मांगा है, सूचना के अधिकार में हमने मांगा है बिहार सरकार से कि हमें उस विद्यालय का नाम बता दीजिए जिस विद्यालय में हर विषय का शिक्षक हो, जब हर विषय का शिक्षक ही नहीं है तो 220 दिन स्कूल चला लीजिए, 365 दिन स्कूल चला लीजिए, 3 साल में 365 कर लिया, 366 दिन स्कूल चला लीजिए, क्या हो जाएगा इससे? जिस स्कूल में संस्कृत का टीचर नहीं है संस्कृत कौन पढ़ाएगा उसके बच्चों को? जिस विद्यालय में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है कौन पढ़ाएगा उन बच्चों को? संस्कृत का मास्टर उर्दू पढ़ाएगा, उर्दू का मास्टर फारसी पढ़ाएगा, और आप बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम की, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम हम भी भरे हैं, बताइए बच्चों को क्यों नहीं मिला? उतना ही नहीं, मापदंड आपने निर्धारित किया है, आपने बनाया कानून, हमने नहीं बनाया, सरकार बनाई है कानून, जब कानून बनाई तो आपने कहा कि हर विद्यालय में हम आपको कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक देंगे, आज तक किसी अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था हुई क्या? पार्ट टाइम टीचर है कहीं पर, कला शिक्षा का है कोई शिक्षक, नाम भी कोई जानता है कि यह व्यवस्था है? मैं आपको यह बता दूं कि इसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आप विद्यालयों में 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रख सकते हैं, जितने पद होंगे उसका 10% से ज्यादा पद खाली आप नहीं रख सकते हैं। आप बताइए अभी आप 2 लाख शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, कितना परसेंट खाली है? जिस राज्य के अंदर में 40% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली होंगे वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करेगा? यह कैसे हो सकता है? बिना हथियार का सिपाही कह दीजिए आप जाकर जंग जीत लीजिए, कैसे जीत लेगा? और इतना ही नहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह भी कहता है कि हर बच्चे को मुफ्त में स्टेशनरी भी देना है। गार्जियन लोग जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं उनको यह जानकारी होनी चाहिए, लोगों को सवाल करना चाहिए सरकार से, लोग मांगे सरकार से, बीतने के बाद में 50% बच्चा को किताब दे रहे हैं, और कॉपी और कलम कभी दिया गया है क्या? स्टेशनरी भी देना है या कॉपी और कलम लेखन सामग्री भी उपलब्ध कराना है? कहीं उपलब्ध कराया गया क्या? नहीं उपलब्ध कराया गया, नहीं किया जा रहा है। जी नहीं, और शिक्षा पर आप ढिढोरा पीटते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि नियम नियमावली क्या है, शिक्षा की समझ किसी को है नहीं, अब पॉलिटिशियन जाकर के टीवी चैनल पर डिबेट करता है, उसको तो दिन भर झूठ सच बोलना है, उसको शिक्षा की समझ तो है नहीं, तो जिसको शिक्षा की समझ नहीं है वो शिक्षा पर डिबेट क्या करेगा? और जनता क्या समझ, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो सब दिन खेसारी लाल का गाना सुना है उसको शास्त्रीय संगीत समझ में आएगा? तो नहीं आ सकता है ना। तो इस तरीके से ये ड्रामा किया जा रहा है, स्कूलों में पुस्तकालय देना है, देख लीजिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पुस्तकालय भी उपलब्ध कराना है, उतना ही नहीं खेल का मैदान भी उपलब्ध कराना है, विद्यालय में बाउंड्री की व्यवस्था करनी है, 13 साल में क्यों नहीं हुआ इसका जवाब दे शिक्षा विभाग के अधिकारी, 220 दिन, अरे हम लोग का तो घर बना दे स्कूल में, रात दिन पढ़ाएंगे स्कूल में, क्या दिक्कत है? हम जो रहते हैं अलग किराए के मकान में रहते हैं, जहां भी रहते हैं शिक्षक दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, आप स्कूलों के आप वहां सरकमफेरेंस में आप वहां शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था कर दीजिए, शिक्षक वहीं रहेगा, 365 दिन अवेलेबल रहेगा,
संडे के दिन भी, छुट्टी के दिन भी अगर किसी बच्चे को जरूरत होगी जला चला जाएगा शिक्षक से पूछने के लिए। शिक्षक तो वह उदार व्यक्तित्व होता है कि अगर उसका बच्चा राह चलते हुए शिक्षक को अगर कोई बच्चा रोक करके कहे कि सर एक सवाल हमसे नहीं बना है, तो मैं समझता हूँ शिक्षक को जितनी खुशी होगी उतनी खुशी आप नहीं महसूस कर सकते हैं। लेकिन कोई पूछने वाला होता तो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, तो शिक्षक दौड़ रहा है 200 किलोमीटर दूरी से स्कूल जाने के लिए, तड़प रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि उसका घर कहीं और है, ठिकाना कहीं और है, नौकरी कहीं और कर रहा है, ट्रांसफर की आपने व्यवस्था नहीं की है। और आप कह रहे हैं कि 220 दिन 240 दिन करते रहे 220 दिन, जब 365 दिन में 253 दिन हम विद्यालय चला रहे हैं तो फिर 220 दिन की बात क्या? आपका यह गर्मी की छुट्टी हो गई, आपका यह ठंडा की छुट्टी हो गई, कितने दिन की छुट्टी देते हैं भाई गर्मी में और शीतलहर में? अगर 353 दिन 253 दिन हम विद्यालय चला रहे हैं तो बहुत छुट्टी देते होंगे, तो आप 10 दिन ठंडा में देते होंगे। हमको नहीं लगता 10 दिन भी बंद होता है विद्यालय, और बंद अगर करते भी हैं आप तो हम तो नहीं कहते कि आप बंद कर दीजिए, आप बंद करते हैं, शिक्षक तो जाते हैं विद्यालय में। तो शीतलहरी में आप 10 दिन भी अगर बंद कर दीजिएगा, 10 दिन और इधर उधर चीजों में आप बंद कर दीजिएगा, इलेक्शन सिलेक्शन में जो भी आप कर दीजिए, फिर भी आपके पास कितना दिन बचता है? 53 में से 20 दिन और घटा दीजिए, तब भी तो 233 दिन चलाना है, 220 दिन। हम हर परिस्थिति में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो निर्धारित कार्य दिवस है उससे अधिक दिन विद्यालय चला रहे हैं, और यह केवल लोगों को बताया जा रहा है कि पढ़ाई नहीं होती है। आप समाज में शिक्षकों को खलनायक साबित करके, शिक्षकों को जलील करके, और आप चाहते हैं कि हम एजुकेशन ले लें, यह पॉसिबल नहीं है। आप डंडे के बल पर आप मजदूरी करवा सकते हैं, ईंट ढुलवा ले सकते हैं, मिट्टी ढुलवा ले सकते हैं, पढ़ाई का काम नहीं हो सकता।